हाय, तो आज हम बात करेंगे यूएस एफ1 वीजा इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। तो जब आप यूएस का एफ1 वीजा का अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो उसमें दो तरह के अपॉइंटमेंट्स आप बुक करते हैं। पहला होता है ओएफसी अपॉइंटमेंट, दूसरा होता है काउंसलेट अपॉइंटमेंट। पहले ओएफसी अपॉइंटमेंट का जान लेते हैं। ओएफसी अपॉइंटमेंट बहुत छोटा सा स्टेप है जिसमें आप अपने वेन्यू में जाके आपको अपने फिंगरप्रिंट्स और फोटोग्राफ देना होता है। दैट्स इट, बस 5 मिनट का काम होता है और आपका ओएफसी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है काउंसलेट अपॉइंटमेंट जिसमें कि आपको इंटरव्यू देना होता है जो कि 2 से 3 मिनट का छोटा सा शॉर्ट इंटरव्यू होता है जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चंस। इससे पहले कि मैं अपॉइंटमेंट की बात करूं या इंटरव्यू की बात करूं, ये जान लेते हैं कि किस तरह के कपड़े पहन के जाना होता है। जो भी पहनना है आप पहन सकते हैं, बट वो डिसेंट होना चाहिए। जींस टी शर्ट, जींस या शर्ट या पोलो टी शर्ट आप पहन सकते हैं, सूट चाहे सूट भी पहन सकते हैं, पैंट शर्ट भी पहन सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं। जो भी आप पहनो डिसेंट ही पहनना है। ऐसा नहीं पहन के चलनी है कोई टी शर्ट जिसमें कि लिखा हो माई लाइफ माई रूल्स या फिर कोई बहुत ज्यादा फ्लैशी सी टी शर्ट हो, तो ऐसी चीज अवॉइड करनी है, जाहिर सी बात है। बाकी कुछ भी आप डिसेंट से पहन के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं काउंसलेट इंटरव्यू में जाने की प्रोसेस का। तो आपको अपने डेजिग्नेटेड सेंटर पर 30 मिनट्स पहले पहुंच जाना है। पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले अपना वॉलेट, कोई भी बैग या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या तो अपने रिलेटिव्स को जो अगर आपके साथ हैं तो उनको दे दीजिए, अदरवाइज वहाँ पे लॉकर रूम्स भी बने हुए हैं, लॉकर भी रखा हुआ है। आप 100-200 रुपए देकर लॉकर भी ले सकते हैं और अपना सामान रख सकते हैं। जो भी आपका टाइम होगा उसके हिसाब से आप एंट्री लाइन में लग जाएंगे। सबसे पहले आपका पासपोर्ट चेक किया जाएगा, उसके बाद एक बेसिक सिक्योरिटी चेक होगा। बेसिक सिक्योरिटी चेक हो जाने के बाद आपको एक वेटिंग एरिया में रखें। वेटिंग एरिया में आपको 5 से 10 मिनट वेट करना होगा। आपके टर्न के हिसाब से आपको इंटरव्यू वाले सेक्शन में भेज दिया जाएगा। इंटरव्यू वाले सेक्शन में जाने के बाद आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करे जाएंगे जो कि वो वहाँ पे बता देंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने हाथों में रखने हैं और वो उसको चेक करेंगे। उसके बाद आप एक्चुअल इंटरव्यू की लाइन पे जाके लग जाएंगे। आपकी टर्न आने के बाद आपके सामने वीजा ऑफिसर होगा और बीच में होगा ग्लास डोर और आपसे क्वेश्चन पूछने का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। अब वैसे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो वो पूछते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं और बहुत सारे हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ सैंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगेन इट्स नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, आपको अपनी रिसर्च फिर भी करनी ही है और अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो पता लगाने। अब क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है व्हाई आर यू गोइंग टू यूएस, व्हाई आर यू चूजिंग दिस यूनिवर्सिटी, हाउ यू आर गोइंग टू फंड योर एजुकेशन, हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज हैव यू अप्लाइड टू, डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन यूएस, व्हाई नॉट कंटिन्यू विद हायर एजुकेशन इन इंडिया इटसेल्फ, व्हाट डज योर पेरेंट्स डू। अब कुछ केसेस में लोग स्विच कर रहे होते हैं बीटेक सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल से, अब वो मास्टर्स करने जा रहे होते हैं सीएस में या आईटी में, तो उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाई आर यू मेकिंग अ स्विच नाउ, व्हाट कोर्सेस आर यू गोइंग टू टेक फॉर योर मास्टर्स और पीएचडी। तो ये वो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। अगेन मैं फिर से कहूंगा यू हैव टू सर्च फॉर द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड टू यू इन योर इंटरव्यू। अब मैं डिस्कस करता हूं कि मुझसे क्या पूछा गया था। मुझसे 5 क्वेश्चन इन टोटल पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा था व्हाट यू विल बी स्टडीइंग इन यूएस, इसका मैंने आंसर दिया था आई विल बी स्टडीइंग पीएचडी इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम सो एंड सो यूनिवर्सिटी। सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था व्हाट कोर्सेस आर यू गोइंग टू टेक, तो मैंने कोई भी 2 या 3 कोर्स उनके सामने उनको बता दिया था। थर्ड क्वेश्चन मुझसे पूछा था व्हाई सिविल इंजीनियरिंग, जिसका मैंने एक शॉर्ट सा आंसर दे दिया था। फोर्थ क्वेश्चन मुझसे पूछा व्हेयर डिड यू कंप्लीट योर मास्टर्स फ्रॉम, फिफ्थ और जो लास्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा था वो था हाउ आर यू गोइंग टू फंड योर एजुकेशन, जिसका मैंने बताया आई गॉट अ फुली फंडेड पीएचडी ऑफर फ्रॉम सो एंड सो यूनिवर्सिटी। तो बस यही थे वो 5 क्वेश्चन जो मुझसे पूछे और मेरा इंटरव्यू मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं चला होगा एंड माय वीजा वाज एक्सेप्टेड। वीजा इंटरव्यू हो जाने के बाद अगर वो आपका पासपोर्ट रख लेते हैं, आपको रिटर्न नहीं करते हैं, तो आपका वीजा एक्सेप्ट हो गया। तो अब आपको घर जाके पैकिंग करनी है एंड यू आर ऑफ टू यूएस। लेकिन अगर उन्होंने आपका पासपोर्ट वापस किया, इसका मतलब आपका वीजा एक्सेप्ट नहीं हुआ एंड यू हैव टू ट्राई अगेन। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। एक और चीज, बहुत से लोग मुझे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मुझे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर वो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके देखेंगे तो वहां पे मैंने अपना लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का लिंक दिया हुआ है। यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस देयर डायरेक्टली। मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपके क्वेश्चंस, आपके क्वेरीज को आंसर करने का पूरा कोशिश करूंगा। आप मुझसे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन पे भी पूछ सकते हो, आई विल बी आंसरिंग देयर आल्सो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।